देखिए हम हैं मेन हाईवे नंबर 9 पे, जहाँ पे देखिए नाका लगा हुआ है। उधर से देखिए साइड से कैसे मतलब जो बाहर से आने वाले गए उनको यहाँ पे रोका जा रहा है। पहले पूरी पुष्टि के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। कोई भी मतलब उपद्रवी यहाँ से जाता गए तो उनको ये लोग रोकते गए और कुछ पनिश भी करते गए। लेकिन अभी तक इन्होंने जो बताया कि इनके पास खाना जो है टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, पानी वक्त पर नहीं पहुंच रहा है। अभी कुछ समाज सेवी का जो इनको ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। किस प्रकार की समस्या सर आपको आ रही है? हमारे साथ है मतलब जो नाके के जो इंचार्ज है, क्या नाम है सर आपका? खेतराम जी है ये मतलब नाके पे जो इंचार्ज लगाए हुए हैं ये है। सर किस प्रकार की दिक्कत है आपको यहाँ पे आ रही है? आप सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं? वैसे ज्यादा तो नहीं है कोई दिक्कत, वैसे आज ही दर्शन हुआ है बस। खाना वैसे 12-1 बजे तक दे जाते हैं। हाँ जी, लेकिन आज काफी लेट हो गए हैं, देर हो गई है। हाँ आज ही लेट हुए हैं, वैसे टाइम पे दे जाते हैं। तो पानी वानी की जो सुविधा वो भी आप तक अभी तक नहीं पहुंच पा रही अच्छे से मतलब? नहीं हो जाता, पानी का भी हो जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है पानी वाली की। सुबह गाड़ी आती है, कैंपर भर जाते हैं जी, और बाकी दिन में भी बोट वगैरह हो जाता है। तो जैसे कि नाके से सर जाने के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे नाके से, किस प्रकार से चेकिंग करके या फिर किस प्रकार से उनको जाने दिया जा रहा है? यहाँ पर मेन तो जो मेडिकल वगैरह दवाई लेने जाते हैं उन्हीं को ज़्यादा भेजा जा रहा है। बाकी और जब सुबह सुबह जो सामान लेने जाते हैं दुकान वाला, तो बस उन्हीं को भेजा जा रहा है, बाकी और किसी को नहीं जाने दिया। कोई ऐसी राहगीरी वगैरह कोई ऐसा आता है या फिर उत्पाती लोग उनके साथ किस प्रकार से मतलब आप कर रहे हैं सर? नहीं, रायगिरी तो वैसे गांव वाले हैं ज़्यादा तो कोई जी, वैसे बाहर से तो कोई और ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो गांव वाले आते हैं उनको बता देते भी अगर कोई सामान लेने जाना आपने ज़्यादा तो सुबह सुबह जल्दी लेके आ सकते हैं, उसके बाद नहीं 9-10 बजे तक। तो कितनी शिफ्टों में ड्यूटी यहाँ पे चल रही है सर? हाँ, यहाँ सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, फिर शाम को 8 से सुबह तक। मतलब आपकी ड्यूटी शाम को 8 बजे तक यहाँ रहेगी? हाँ जी। उसके बाद अनदर मतलब यहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज आ जाएगा? अलग इंचार्ज आ जाएगा। तो ये थे खेतापाल जी, जिन्होंने बताया कि इनकी ड्यूटी सुबह से लेकर रात 8 बजे तक लगती है, उसके बाद जो है ड्यूटी चेंज हो जाती है। तो थोड़ा सा दिक्कत इनको आज के दिन में आया जो खाने को लेकर, थोड़ा पानी को लेकर थोड़ा वक्त पर नहीं आया। इसी में हमारे साथ तेलुराम जांगड़ा जी हैं जो अभी आए हैं, कुछ फ्रूट्स हैं और जो पानी की देखिए दिखा सकते हैं हम आपको, पानी की जो बोतलें हैं वो इनके लिए, क्योंकि गर्मी का वक्त है, काफ़ी मतलब गर्मी में आदमी को त्रासदी होती है, प्यास से काफ़ी आदमी को मतलब परेशानी रहती है। ऐसे में मतलब ये तेलुराम जी जांगड़ा जो है कांग्रेस नेता है, समाज सेवी भी हैं, ये अभी यहाँ पे आए हैं पानी और मतलब केले लेके। सर किस पर ऐसा कोई वो नहीं है, पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये लोगों से पूछते हैं क्या काम जा रहे हो, क्या कोई ज़रूरी काम है तो ही जाने दे रहे हैं, अन्यथा व्यर्थ लोगों को नहीं जाने दे रहे। और ये लोगों के लिए मैं पानी की बोतलें यहाँ इसलिए भी रख के जा रहा हूँ, जो लोग पैदल आते हैं दूर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, ये पुलिस के जवान उनको एक एक बोतल पानी की देते हैं, केले भी देते हैं, और इनके लिए भी पानी की ज़रूरत। हमने भी सोचना है कि ये भी हमारे भाई बंधु हैं, ये भी हमारे परिवारों के हिस्सा हैं, ये जब हमारे लिए इतनी मुस्तैदी से काम करें तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए काम करें। और आप लोग जो इतनी उसमें लगे हुए हैं, हमने आप लोगों के बारे में भी, सबके जो बॉर्डर पे जवान हैं, मिलिट्री फोर्स के, एयरफोर्स के, BSF के, और जो सरकारी हमारे एम्प्लॉई हैं वो सारे लगे हुए हैं, हमने भी उनके लिए करना पड़ेगा और वो हमारे लिए करें। बस इसमें तो जो लॉकडाउन किया हुआ है उसका पालन करना है, क्योंकि ऐसी जो मुश्किलें हालात हैं, ऐसे में जैसे ये सारे पुलिस के जवान हैं अपनी मतलब ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे में जनता का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि मतलब इनके लिए भी कुछ सोचे। मतलब अपने मन में जो पुलिस के प्रति जो हीन भावना थी, जैसा कि पुलिस ऐसी है, कहीं ना कहीं पुलिस का जो दूसरा रूप है, जो पुलिस का मार्मिक रूप है, अपनेपन का रूप है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। सर देखो, हमारा हांसी जिला पुलिस बना हुआ है, मैं तो हांसी के बारे में बता सकता हूँ। हमारे माननीय SP महोदय, SHO साहिबान सब ने ये आदेश किया हुआ है कि सबसे पूछ के, प्यार से और सबसे मिलजुल के और थोड़ा डिस्टेंस रख के उनको समझाते हैं। यहाँ का पुलिस का और प्रशासन का, और हमारे SDM साहब हैं वो भी 24 घंटे लगे रहते हैं, हमें दवाई भी मुहैया कराते हैं। जैसे मैंने चैन्नत में अभी मास्क वगैरह भेजे हैं 300-350, हमारे मंजीत दुवन हैं, और एक हमारे दूसरे दुवन साहब हैं,
उनके ब्रदर हैं, वो चार पांच लोग हैं, वो यहाँ से 350-400 मास्क लेके गए गांव में बांटने के लिए, सैनिटाइजर करेंगे, दवाई वगैरह लेके गए हैं, ट्रैक्टर उन्होंने अपना लगाया हुआ है। तो वो लोग SDM साहब ने दवाई भी हमें समझाया, मुझे भी समझाया कि वहाँ से डॉक्टर आएंगे सिसाई से, वहाँ जाके आपकी दवाई मिक्स कराएंगे, जैसे गलत ना हो जाए किसी के साथ। वो हमारा यहाँ प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, और मैं तो ऐसा प्रशासन सब जगह काम करे, समझा बुझा के सबको अंदर लॉकडाउन का जो मतलब है वो समझाएं, इसी यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। तो ये थे तेलुराम जांगड़ा जी, तो मतलब कुछ पानी की बोतलें और जो फल फ्रूट्स हैं वो राहगीरों के लिए यहाँ पे रखे गए, जिनको मतलब ये जो पुलिस के जवान गए ये उन राहगीरों को जो फ्रूट्स देते गए, या फिर पानी, जो गर्मी का माहौल है पानी भी ये पुलिस के जवान जो यहाँ पे गए ये उनको प्रोवाइड कराते गए।